अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय राजनीति, उसके बाद राष्ट्र के संबंध में राज्यों के बीच की राजनीति और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से तात्पर्य क्या है और आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा अब क्यों इतना अहम है? इसलिए कि विश्व जो है वो गत 100 वर्षों में संचार माध्यमों की प्रचुरता के कारण, संचार माध्यमों के आविष्कार के कारण विश्व एक बहुत छोटा ग्लोबल विलेज हो चुका है। जो दूरियां हैं, शारीरिक दूरियां भले हों, भौगोलिक दूरियां भले हों देशों के बीच, लेकिन संचार माध्यमों के जरिए वे दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं। संचार माध्यम से तात्पर्य है हमारा विशेष रूप से जो इंटरनेट के जरिए होता है, हवाई जहाज के जरिए होता है, ये आवागमन के माध्यम और संचार माध्यम, इनके कारण दुनिया बहुत सिकुड़ चुकी है। और जैसा मैंने कहा, दुनिया के सिकुड़ने का अर्थ पृथ्वी का सिकुड़ना नहीं है, ये तो आप समझते होंगे। दुनिया के सिकुड़ने का अर्थ है एक दूसरे के से मानसिक रूप से संचार माध्यमों के जरिए बहुत निकट हो जाना। आज एक कमरे में बैठे बैठे मैं दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश वेनेजुएला में, वहाँ की राजधानी के एक मकान को भी यहाँ देख सकता हूँ और उस मकान में बैठे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ, संवाद बना सकता हूँ। तो ये संवाद जो बना है गत 100 वर्षों में, इसने दुनिया को बहुत पास ले आया है। और जब हम इतने पास हो गए हैं जितने कि पड़ोसी होते हैं, तो निश्चित रूप से जैसा हमारी पड़ोसियों के साथ हमारे अपने आसपास के दायरे में राजनीति होती है, तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राजनीति होगी। अर्थात राजनीति का अर्थ यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति का अर्थ हम उस मायने में लें कि बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो बातें होती हैं अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से, लगभग उसी तरह की बातें अब हम यहाँ बैठे हुए दूरस्थ स्थलों के लोगों से भी कर सकते हैं और उतनी ही निकटता दिखाते हुए अपनी भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, महसूस करा सकते हैं सामने वाले को, जैसा कि हम अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार के सदस्यों को कराते हैं। इस विश्व के सिकुड़न के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है, पड़ोसियों से संबंध के बाद एक दूसरे नगरों से संबंध, नगरों से संबंध के बाद अब हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध, और पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध के बाद विश्व के किसी भी देशों के साथ संबंध, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत आता है। किसी भी एक देश की, संचार माध्यमों का ही प्रभाव है कि किसी भी एक देश में घटित होने वाली घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती हो। आप चाहे बहुत निकटस्थ काल में जो कोरोना हुआ, चीन में प्रारंभ हुआ कोरोना, उसने किस तरीके से पूरे विश्व को हिला के रख दिया, ये एक विश्वव्यापी घटना बनी। अमेरिका में 9/11 में, 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हवाई जहाज़ों के माध्यम से, उसने मात्र अमेरिका को ही प्रभावित नहीं किया, उस आतंकी हमले में 3,000 लोग मरे, ये तो एक सच्चाई है।
पर दूसरी सच्चाई ये है कि उसने 300 करोड़ लोगों को भी या 700 करोड़ जो भी जनसंख्या है पूरी दुनिया की उसको प्रभावित किया। पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुए, उस घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। अब कैसे प्रभावित हुई ये हम किसी अन्य अध्याय में पढ़ चुके हैं। अभी आपको इतना समझना है कि हमारा संबंध पूरे विश्व से बना हुआ है। पूरे विश्व के देशों का संबंध एक दूसरे से सतत रूप से बना हुआ है। और जब ऐसा बना है तो उन संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए, उन संबंधों को एक आकार देने के लिए, उन संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही दिशा में हों, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हम लोग समिति बना देते हैं, कुछ हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें। उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यदि संगठन की बात करें तो पहले होता था पारिवारिक संगठन। आपका जो एक परिवार है, परिवार में जितने सदस्य हैं कुनबे में आपके, उनको लेकर आप एक सामाजिक संगठन बना देते हैं। फिर जातीय संगठन भी होता है, ब्राह्मण विप्र संगठन, साहू संगठन, उसके बाद चंद्राकर संगठन, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पारिवारिक रूप से एक प्लेटफॉर्म बन गया। उस प्लेटफॉर्म में हम अपनी बातें एक दूसरे को भेजते हैं और इसी संगठन का ही परिणाम है कि उससे जैसे विवाह आदि संबंधों का निपटारा होता है, विवाह आदि के लिए प्रस्ताव वर और वधु के लिए भी उसमें देखे जाते हैं, उसी प्रकार जातीय संगठन हैं, क्षत्रिय समाज, जैन समाज, साहू समाज, ब्राह्मण समाज, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, तो जाति के बाद धर्म के आधार पर भी संगठन हैं, जैसा मैंने बताया मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ये एक धार्मिक संगठन है जिसमें सब सरदार रहते हैं, सिखों का एक संगठन है। तो पारिवारिक संगठन, जातीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के लोगों का एक संगठन बन गया किसी मुद्दे को लेकर, पंजाब के लोगों का एक संगठन बन गया, तो इस प्रकार क्षेत्र के आधार पर संगठन बन जाता है। और क्षेत्र से यदि हम और आगे जाएं तो क्षेत्र के बाद किसी मुद्दे को लेकर भी संगठन बनते हैं, जैसे एक किसान संगठन, किसानों का जो संगठन बनता है उसमें न क्षेत्र रहता है, न जाति की बात रहती है, न परिवार की बात रहती है, क्षेत्र जाति परिवार से उठकर लोग किसान संगठन के सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसान संबंधी मुद्दों को उठाया जाएगा, तो इसलिए किसानों के हित अहित की चर्चा का वो प्लेटफॉर्म है। दूसरे शब्दों में मेरे कहने का ये सब तात्पर्य ये है कि संगठन जो है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर किसी उद्देश्य से उसकी स्थापना की जाए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस संगठन के सदस्यों के बीच में वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है, और जो निचोड़ निकलता है वो उस संगठन के लोगों के हित में होता है। ये तो हुई संगठन की बात, इसलिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हमने समझा अंतर्राष्ट्रीय, हमने समझा संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी इसको भी हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि विश्व छोटा हो चला है तो अब पारिवारिक संगठन, क्षेत्रीय संगठन, राजनीतिक जो जातीय संगठनों से हटकर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात होती है। सच्चाई तो यह है कि आज से लगभग 100-150 वर्ष पूर्व तक
ऐसे किसी भी संगठन की बात हम नहीं सुनते जिसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ऐसे जरूर 3-4 राष्ट्रों के संगठन बने होंगे जिनका कुछ उद्देश्य था, लेकिन वो जो संगठन थे मात्र 3-4 देशों तक सीमित थे, पर थे अंतर्राष्ट्रीय। पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रादुर्भाव लगभग आज से 200-300 वर्ष पूर्व का ही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनते थे उसके सदस्य देश बड़े कम संख्या में होते थे। आज जो संगठन बन रहे हैं वो वैश्विक हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वैश्विक संगठन की बात करते हैं। वैश्विक संगठन से तात्पर्य वो जिसमें बहुत सारे देश उसके सदस्य हों, बहुत सारे देशों की सदस्यता लिया हुआ संगठन वैश्विक संगठन कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की यदि हम बात करें तो आपने कई संगठन इसके पिछले अध्यायों में पढ़े हैं जब हमने शीत युद्ध का जिक्र किया था, और इस शीत युद्ध के दौरान जो सुपर पावर्स थे उन्होंने कुछ ऐसी संधियां की थी और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे जिसमें कुछ देश उसके सदस्य होते थे, जैसे सीटो, सेंटो, नेटो, वॉरसॉ पैक्ट, और यदि हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो एलीट पावर और एक्सिस पावर, मित्र राष्ट्र, ये सब क्या थे? ये संगठन थे एक तरीके के, चाहे वो फॉर्मल संगठन हो चाहे वे इनफॉर्मल संगठन हो, पर एक संगठन का रूप लिए हुए थे। ये तो 19वीं शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है तब संचार माध्यमों का जैसे 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 प्रभाव बढ़ते जाता है, संचार माध्यमों की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो वैश्विक स्तर के थे ऐसे संगठनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यदि हम बात करें तो पहला वैश्विक संगठन वास्तव में वो 1917 के बाद हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है जो 1918 में समाप्त होता है। इस विश्व युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की इच्छा होती है कि क्यों न एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो दूसरे विश्व युद्ध को ना होने दे। मैं पुनः दोहरा लूं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, और सच्चाई तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 का, वो वास्तव में विश्व युद्ध नहीं था। कहने को तो हम विश्व युद्ध कहते हैं पर विश्व युद्ध इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें बहुत कम देशों ने भाग लिया था। 10 देश, 12 देश उस युद्ध में शामिल हुए दुनिया में। तो फिर विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले की लड़ाइयों की तुलना में ये लड़ाई अपने प्रभाव में, अपने युद्ध के शैली में बहुत बड़ी थी पहले के युद्धों की तुलना में। इससे पहले 1914 से पहले जो भी युद्ध हुए वो 2 देशों के बीच होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 देशों के बीच होते थे, उसके आगे नहीं। लेकिन उसकी तुलना में 1914 से 1918 का युद्ध न केवल उसमें ज़्यादा देश उसमें भाग लिए, बल्कि ये युद्ध करीब 4 वर्ष चला, इसलिए इसे विश्व युद्ध कहा गया।
और सोचा गया कि इतना बड़ा युद्ध जो हुआ है, जो 4 साल चला, जिसमें इतने सारे राष्ट्र थे, इतने सारे से अर्थ है करीब 8-10 राष्ट्र थे, तो ये विश्व युद्ध ही तो है। उस युद्ध की भयावहता, उस युद्ध की बुराइयां, उस युद्ध के दुष्परिणाम इतने ज़्यादा थे कि तत्कालीन राजनेता विभिन्न देशों के बड़े चिंतित हुए, और उन्हीं में से एक वुड्रो विल्सन अमेरिका के थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जिसका उद्देश्य हो शांति की स्थापना, और मूल उद्देश्य हो कि किसी भी तरीके से अब आगे द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। ये कल्पना की गई, और इस कल्पना के साथ 1917-18 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? लीग ऑफ नेशंस। लीग माने संगठन, गुट, नेशंस यानी राष्ट्र, राष्ट्रों का गुट, और उसका नाम दिया गया राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस। इस लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य, जैसा मैंने बताया बारंबार, उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना, यानी यह प्रयास करना कि आगे अब दूसरा विश्व युद्ध ना हो, आगे ऐसा युद्ध ना हो जो प्रथम विश्व युद्ध के स्तर का हो या उससे भी ज्यादा विशाल हो अपने प्रभाव में, दुष्प्रभाव में। और उसमें कुछ सदस्य आए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, सदस्य बनते हैं कुछ राष्ट्र, लेकिन दुर्भाग्य से लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। सफल ना होने के बहुत से कारण थे। एक तो पहला प्रयोग था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एक पहला प्रयोग था। इस लीग के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे वे इतने प्रभावशील नहीं थे। दुनिया के सभी राष्ट्र इसमें शामिल नहीं थे, और तो और अमेरिका स्वयं, जिसने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, वहाँ की संसद ने ही लीग ऑफ नेशंस को अस्वीकार कर दिया था। तो यानी उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए, सदस्य देशों को ये व्यवस्था नहीं थी कि लीग ऑफ नेशंस के दिए गए आदेशों को माने। ऐसे बहुत से कारण हैं, हम इन कारणों पर नहीं जाते, पर इतना हम जान लें कि लीग ऑफ नेशंस पहला अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर एक प्रयोग था विश्व शांति के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, और दुर्भाग्य से यह असफल रहा। और असफल ऐसा रहा कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो ही गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 ये अपने काल में ही मात्र बड़ा नहीं था, यानी प्रथम विश्व युद्ध जहाँ 4 वर्ष चला, द्वितीय विश्व युद्ध वहाँ 6 वर्ष चला। काल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह विश्व युद्ध अपनी भयावहता के लिए जाना जाता है। अब सोचिए, कहाँ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई शांति के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध को होने से रोकने के लिए, और कहाँ दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यानी लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य में असफल रहा, और हुआ भी तो ऐसा हुआ जिसकी विकरालता, जिसकी भयावहता, जिसके खतरनाक परिणाम इतने खतरनाक थे कि उसके भय से अभी तीसरा विश्व युद्ध बचा हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो रूप था, उस रूप ने दुनिया के लोगों को इतना हिला दिया कि वे लोग उसको याद करते हुए तृतीय विश्व युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। अब बचने की कोशिश करते हैं का के मायने क्या, कैसे बचते हैं,
उसी बचने की कोशिश में एक तरीका है वही वैश्विक प्लेटफॉर्म को स्थापित करना जो पहली बार लीग ऑफ नेशंस के रूप में स्थापित हुई थी। और स्थापित करते समय ये सुनिश्चित करना कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करने में जो गलतियां हुई, जिसने लीग ऑफ नेशंस को असफल बनाया, ऐसी गलतियां दोबारा ना हों। और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते 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 अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा और अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था का स्थापना हुई 1945 में। ये एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि है संक्षिप्त में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले का एक दृश्य आपके सामने रखा। इससे पूर्व जितने भी अध्याय पढ़ाए गए हैं उसमें मैंने सतत रूप से आप लोगों को अनुरोध किया है कि अध्ययन करने से पहले किसी अध्याय का उसके नक्शे का संबंधित देशों को अच्छी तरह नक्शे में देख लें। और विश्वास है कि आप लोगों ने हर अध्याय में, चाहे वो शीत युद्ध से संबंधित हो, चाहे वो दक्षिण एशिया से संबंधित हो, चाहे वो समकालीन विश्व की बात हो, या अन्य जो अध्याय हुए हैं उसमें आपने उन नक्शों को देखा होगा। इसलिए मैं यहाँ प्रारंभ में नक्शे के बारे का जिक्र नहीं कर रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आप समझते हैं कि कौन से देश कहाँ स्थित हैं, लेकिन एक नज़र फिर भी आप जरूर देख लें कि भूगोल में, विश्व में कौन से देश की क्या स्थिति है, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, चीन हो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, अफ्रीका हो, भारत हो, जापान हो, और उसके साथ ही रूस और सोवियत संघ जो उसका पुराना नाम है वो हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया को देखिए एक अलग थलग पड़ा हुआ इस नक्शे पर एक सरसरी नज़र आप जरूर डाल लें। एक समझने की कोशिश करें कि इनकी दूरियां कितनी हैं एक दूसरे से और निकटता कितनी है एक दूसरे से, इसके साथ ही इनका आकार कितना है। आपको आंकड़ों पे जाने की जरूरत नहीं आकार और जनसंख्या को समझने के लिए, लेकिन एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि यदि हम एक महाशक्ति की बात कर रहे हैं तो महाशक्ति वास्तव में भौगोलिक दृष्टि से कितना बड़ा है। एक और अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए उसका आकार कितना विशाल, और दूसरी ओर उतनी ही शक्तिशाली, बल्कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली एक देश हुआ करता था पहले जो पूरे विश्व पर राज कर रहा था, उसका आकार देखिए इंग्लैंड कितना छोटा है। तो क्या भौगोलिक क्षेत्रफल आपकी वर्चस्वता को बनाने में मदद करता है? दूसरी ओर आप सोवियत संघ को देखिए, इतना बड़ा विशाल आकार, जनसंख्या बहुत कम। चीन में जनसंख्या भी विशाल, आकार भी विशाल। भारत में तुलनात्मक दृष्टि से उसका आकार कम लेकिन जनसंख्या बहुत विशाल। हर देश की अपनी अपनी कुछ समस्याएं हैं और अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसको समझने की कोशिश करिए इस नक्शे के माध्यम से। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, इन देशों की अपनी नैसर्गिक विशेषताएं थोड़ा समझने की कोशिश करें। और जितने अध्याय हमने किए हैं उसमें अब तक समझ गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मानते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने इस अध्याय में जिसका नाम है
अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस अध्याय में हम मूलतः क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया क्योंकि मैंने चर्चा की मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इस अध्याय में हम मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे अंग्रेजी में UNO भी कहते हैं, उसका पुनर्गठन, उसका भविष्य, इसको हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका निर्माण कब कैसे हुआ, उसका पुनर्गठन और उसका भविष्य। लीग ऑफ नेशंस, जो पहली वैश्विक संस्था हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो जिसमें बहुत से देश थे शामिल, उसका निर्माण हुआ, स्थापना हुई, उसके अपने उद्देश्य थे, अपने लक्ष्य थे, लेकिन उसका भविष्य, आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन समाप्त हुआ, और समाप्त ही नहीं हुआ, उसने स्थितियां इतनी बिगाड़ दी थी कि दूसरा विश्व युद्ध उससे भी ज़्यादा भयावह हुआ, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, उससे भी ज़्यादा भयावह। तो इसलिए हमको संयुक्त राष्ट्र संघ के भविष्य को भी समझना है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कहाँ पर है, भारत की क्या स्थिति है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसकी अहमियत कितनी है, और भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कितना अहम है। इसके बाद अगला बिंदु जो होगा वो होगा नए नए अंतर्राष्ट्रीय पात्रों का उदय। नए अंतर्राष्ट्रीय पात्रों से तात्पर्य है इंटरनेशनल प्लेयर, जिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और वो प्लेयर से अर्थ है कुछ ऐसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत दखल रखते हैं, बहुत अपना सरोकार रखते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, वैश्विक व्यवस्था की नई संस्थाएं, इनको हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं में काफ़ी बड़ा अध्याय है, पर उसके बाद उसी अध्याय में हम कुछ अन्य संगठन भी पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, आर्थिक संगठन हों, ऐसे कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जिसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, ये स्वतंत्र संगठन हैं। उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो वैश्विक व्यवस्था बनी है, उसमें वैश्विक व्यवस्था इन संचार माध्यमों के जरिए, विश्व के सिकुड़ने के जरिए, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें जो ये संस्थाएं आई हैं, वैश्विक संस्थाएं, चाहे वो UNO हो या आर्थिक संगठन हो या अन्य सामाजिक, अन्य गैर सरकारी संगठन हो, क्या ये प्रजातांत्रिक हैं, क्या ये वास्तव में वैश्विक हैं, क्या ये वास्तव में दुनिया के अधिकतर देशों की आवाज़ हैं या कुछ और है। कहने को ये वैश्विक है लेकिन प्रभाव किसी एक आध देश का ही है। क्या ये वास्तव में प्रजातांत्रिक हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या ऐसी संस्थाएं उत्तरदायी हैं कि नहीं, यानी जिम्मेदार हैं कि नहीं, अपने को जिम्मेदार मानती हैं कि नहीं विश्व की स्थिति के लिए। आर्थिक संस्थाएं विश्व की आर्थिक स्थिति के लिए अपने को जिम्मेदार मानती हैं कि नहीं, और जिम्मेदार मानती हैं तो फिर किस तरीके से वे कार्य करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या विश्व शांति के लिए अपने को जिम्मेदार मानता है, और यदि मानता है तो कितना सक्षम है, कितना बखूबी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, निभा पा रहा है, निभाना चाहता है और निभा सक रहा है,
ये कई सवाल हैं जिसके उत्तर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो मूलतः ये अध्याय जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है।